नमस्कार। ये देखिए 1.5 कप पानी हो गया है 1 कप चीनी में। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे, 1 तार की बनने देंगे। अब चाशनी में 2-4 इलायची और डाल देते हैं, अच्छी खुशबू आएगी। घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, ये देखिए धुआं रहा ऊपर से। तब इसमें हम जो घोल बनाया था घेवर बनाने के लिए, ये हमने देखिए बोल में थोड़ा सा निकाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे हम। और ये देखिए ऊपर से एकदम इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, ये बबल्स आ रहे हैं ऊपर, ये बबल्स आ रहे हैं ऊपर,
एक साइड में हो जाएंगे और इसके बीच में हमें होल बनाना है। इस तरीके से एक डंडी लेनी है आपको, कोई भी स्टिक ले सकते हो, और फिर से इसके अंदर डाल देना, ये बबल्स बंद हो जाएंगे। और फिर से हमें एक डंडी लेकर अंदर की तरफ एक होल बना देना है, और फिर से डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके भी डालना है। इससे एकदम जालीदार होल बनेगा। ये देखिए हमने एक बार में जितना भी दिया था वो इसके अंदर डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा डीप कर देना है नीचे की तरफ, या अपने आप भी नीचे ही चला जाएगा पकते ही। इसको एकदम अच्छा ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें घी को भी नीचे ही टपक देना है और निकाल लेना है। हम दूसरा घेवर फिर से ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर से छोड़ देंगे एकदम, इसको घुमा देंगे फिर से ऐसे छोड़ देंगे, और होल बनाया और छोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा दूसरा घेवर भी एकदम अच्छे से पक चुका है। आपको जितना मोटा बनाना है उतना आप बना सकते हो। ये देखिए आप एकदम अच्छे से सिका हुआ है। ये देखिए हमारे पांच घेवर बने हैं। ये देखिए अभी चाशनी को देख लेते हम। ये देखिए चाशनी भी कितने अच्छे से बन रही है, एकदम तैयार ही होने वाली है ये, लेकिन अभी भी टाइम है थोड़ा सा। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको एक चम्मच में ठंडा करके हाथ लगाकर देखेंगे कि ये एक तार की चाशनी बन चुकी है कि नहीं। ये देखिए एक तार की बन चुकी है, ये देखिए एक तार बन चुका है, इतनी ही चाशनी। ये देखिए हमें ऐसी ही चाशनी लेनी है। गैस को बंद कर देते हैं हम। ये देखिए सभी घेवर को हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब हम चाशनी भी ठंडी हो चुकी है, अब इस पर हम चाशनी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे सारी चाशनी को, हम थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की सहायता से इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमने हल्की गर्म रखी है चाशनी को हमने। ये देखिए ये अपने आप से ही सारे घेवर में चली जाएगी चाशनी, हमें बस ऊपर से ही डालनी है। अभी हम रबड़ी लगाएंगे। रबड़ी की वीडियो अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं की है, वो भी जल्दी ही बना कर दिखाएंगे। ये भी हमने अपनी ही बनाई है खुद घर पर ही, इससे भी बहुत अच्छा लगता है घेवर रबड़ी वाला। ये सारे घेवर पर लगा लेना है आपको रबड़ी को। अभी थोड़े से हम ड्राई फ्रूट और लगा देते हैं ऊपर से, आप जो भी खाना पसंद करते हो वही ड्राई फ्रूट लगा लेना है। हमें बादाम पसंद है, हम बादाम ही लगा रहे हैं। इसमें पिस्ता भी बहुत अच्छा लगता है, आप पिस्ता भी ज़रूर लगा लेना। ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट को लगा दिया है, कितना अच्छा घेवर लग रहा है, एकदम बाजार जैसा। देखिए हमने भी घर पर बनाया है, आप भी ज़रूर बनाइएगा घर पर, कोई झंझट वाला काम नहीं है ये, आप भी आसानी से बना सकते हो उसको। अगर आप को ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर ट्राई करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।